बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुल्फ़िकार शवहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, दो खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की मुश्तमल सीरीज का पहला मैच कल पर्थ के तरीही क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच से एक रोज़ कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पर टेस्ट के लिए 11 रुकनी स्काउट का ऐलान कर दिया है। प्लेइंग 11 में शामिल दो नौजवान क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अहमद जमाल और खुर्रम शहजाद डेब्यू करेंगे। पाकिस्तानी शायकीन के लिए मखसूस टेंट कायम, हलाल खाना भी दस्तयाब होगा। कौमी टीम की क्यादत कप्तान शान मसूद के सुपुर्द होगी, जबकि दीगर खिलाड़ियों में अमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, साउद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, शहीन अफरीदी, अहमद जमाल और खुर्रम शहजाद शामिल हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रहनमई कर दी गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट मैच को वेस्ट टेस्ट का नाम दिया है। दूसरी जानी पाकिस्तानी शायकीन के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मखसूस स्टैंड बना दिया है, जिसका नाम पाकिस्तान बे रखा गया है। इस स्टैंड में फैंस को टिकट रायती नफरों पर भी दस्तयाब होगा, जब हलाल खाने भी फराहम किया जाएगा।